देश भर में लोकसभा चुनावों के नतीजे के लिए गिनती जारी है। ऐसे में काउंटिंग से पहले देश के 7 पूर्व जजों ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खुला पत्र लिखा है, जिसमें पूर्व जजों ने उनसे बड़ी अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने आम चुनावों के संचालन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। तो क्या लिखा है खत में पूर्व जजों ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले हाईकोर्ट के 7 पूर्व जजों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खुला खत लिखा है। पूर्व जजों ने उनसे गुहार लगाते हुए कहा कि हर हाल में संविधान की रक्षा होनी चाहिए। पूर्व जजों ने चुनाव रिजल्ट को लेकर भी गहरी चिंता जताई है। पूर्व जजों ने पत्र में लिखा, हम पूर्व हाईकोर्ट के जज हैं, जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में निहित आदर्शों और चुनावी लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। हम लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में हाल ही में और वर्तमान में चल रही घटनाओं पर गहरी पीड़ा के साथ ये खुला पत्र लिख रहे हैं। पूर्व जजों ने उनसे अपील की कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में पार्लियामेंट हंग होती है तो लोकतांत्रिक नियमों का पालन कराएं और चुनावों से पहले का जो गठबंधन चुनाव में सबसे बड़ा रहा हो उसे सरकार बनाने का निमंत्रण दें, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग रोकी जा सके। पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और चीफ इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि अगर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो सत्ता का आसान हस्तांतरण करके संविधान को बरकरार रखे। इन पूर्व जजों ने कहा कि वो चिंतित हैं कि अगर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी चुनाव हार जाती है तो सत्ता का ट्रांसफर सरल नहीं होगा और संवैधानिक संकट पैदा होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की और चुनाव के बाद होने वाली किसी भी संवैधानिक संकट से निपटने के लिए मौजूदा गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष 5 जजों की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारी आशंकाएं गलत हों, चुनाव निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से नतीजों के ऐलान के साथ खत्म हों। पत्र को मद्रास हाईकोर्ट के 6 पूर्व जजों जीएम अकबर अली, अरुणा जगदीशन, डी हरिपंथमन, पीआर शिवकुमार, सिटी सेल्वम, एस विमला और पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश ने लिखा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।